राइट सो बहुत बार आपको ना 5 से डिवाइड करना पड़ता है, 5 से। देखो 5 या 25 या 125 से अगर आपको किसी नंबर को डिवाइड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं ये पहले देखेंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 5 25 25 से, ये भी आपने देख लिया है ऑलरेडी, मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी, करेक्ट। फॉर सर। एग्जांपल, अगर आपको 25 को मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है तो आप कैसे करोगे? 125 125 125। 125 आ रहा है, कैसे हाँ करोगे? करोगे कैसे? लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मैं इसका ऐसे कर दूंगा। देखो कभी भी अगर 5 आता यस है तो उसके लिए इसको फिर से मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। फॉर एग्जांपल आई विल यूज, इंस्टेड ऑफ 5 मैं 10 यूज करूंगा, 10 यहाँ पे 10। तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसको 250 मिल गया। मैं 5 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 10 से करूंगा। तो 10 से जब करता हो तो बहुत इजीली मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, करेक्ट। सर। बस इसको अभी हाफ करना है क्योंकि ये 10 डिवाइडेड बाय 2 5 होता है। तो जो आंसर आया उसको डिवाइड करना है 2 से। डिवाइड करना 2 से मतलब हाफ करना है। तो इसको हाफ करने में बहुत मीन्स इजी होता है। देखो 1 2 5 हो गया। मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करने की कभी भी जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नंबर ले रहा हूँ मैं 68, और 68 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आप क्या करो, सबसे पहले उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। राइट 6 8 0 एक्सक्यूज मी सर, डिवाइडेड बाय 2, जस्ट अ सेकेंड, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। डिवाइडेड बाय 2 मतलब इसका हाफ ही करना है आपको। अभी इसका हाफ करने में कितना देर लगता है? 3 4 एंड 0, 34 दैट्स इट, यू जीरो गॉट इट आंसर। यस हु वाज दैट? सर श्रद्धा या प्लीज गो अहेड। द आंसर 25 डिवाइडेड बाय 5। 5। 5 आता है, करेक्ट। सर ये तो सबको आता है। चलो तो ये एक्चुअल फास्टर मेथड से कैसे करें? अगर इसको डिवाइड करना है किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले करना क्या है, इस नंबर को डबल कर दो। डबल 25 को डबल कर दिया, कितना आएगा? 50 और ये 50 आ गया। अभी इसको करना क्या है, यहाँ पे डॉट देना है, एक डॉट यहाँ पर दे दो और ये आपका हो गया आंसर। राइट आ रहा है ना? यस 5 कोई भी नंबर ले लो। यस इस तरह से करना क्या है, जो अगर उसको 5 से डिवाइड करना है, नंबर है 68, इसको 5 से डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड मत करो, इसको करना है डबल। डबल कितना हो जाएगा इसका? 60 का 120 एंड 8 का 16, कितना आ गया? 126, 136 राइट? ठीक, तो 126 है, तो आप 126 कर दो और फिर एक डॉट यहाँ पे दे दो। सर 136 सिद्ध है ना? यस यस 136। हाँ ऐसे डबल कर दिया, तो सिर्फ आपको एक डॉट देना है यहाँ पे, आंसर आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 5। आता है क्या? वही देखो फिर से, नंबर है 70, इसको आपको 5 से डिवाइड करना है, जस्ट डबल इट अप, आपको इसको डबल करना है एंड यहाँ पे डॉट दे दो, फोर्टी आ गया आंसर। फोर्टी इजी? फोर्टी चलो तो यस नाउ यू ट्राई दिस नंबर 74, डिवाइड दिस बाय 5 एंड गिव मी आंसर। फोर्टीन वन कितना आ रहा है? फोर्टीन टाइप टाइप इन चैट वन बॉक्स, चैट बॉक्स में टाइप फोर कर दो। पॉइंट सो सी हाउ इट इज वेरी इजी। 74 को इसे डबल करना है, 148, फिर यहाँ पे डॉट कर देखना है, दैट्स इट। ये ऐसे क्यों वर्क होता है, ऐसा वर्क क्यों होता है ये देखो। 1 बाय 5 देखो, डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हैं ना अभी,
हम करते क्या है, जो भी नंबर है इसको पहले डबल कर देते हैं, डिवाइडेड बाय अगर 10 किया उसको, मतलब देखो ये ऐसा क्यों होता है, ये है 74 डिवाइडेड बाय 5, ये एक्चुअल हमारा नंबर था डिवीजन के लिए। हम इसको क्या कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 148 और ये 5 × 2 मिल जाता है 10। तो अगर किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करते हो तो क्या सिर्फ आपको यहाँ पे एक पॉइंट देना है, करेक्ट, एंड दैट्स व्हाई इट वर्क्स, यस नो, चैट बॉक्स में यस डाल दो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। या सो लेट्स टेक वन मोर नंबर, नाउ लेते हैं नंबर 17। 17 डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो सबसे पहले इसको 2 से इसको डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, क्योंकि डबल किया तो ये 10 बन जाता है, और ये जब 10 बन जाता है तो इजी हो जाता है हमारे लिए। 17 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 34, अभी 34 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब है 3.4, दैट इज आवर आंसर। नाउ अंडरस्टूड विद 5, कोई भी नंबर है, एनी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो उसको सिर्फ डबल करना है, एक पॉइंट देना है, यू गॉट द आंसर विद 5, ग्रेट। नाउ लेट्स ट्राई विद 25, अगर आप किसी नंबर को 25 से डिवाइड करना है उसी मेथड से, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 63 डिवाइडेड बाय 25 करना है आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो 25 है ना इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया इसको मैंने, तो कितना आ जाएगा मुझे यहाँ पे 100 आ गया, 100। तो इसी तरह इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो 63 को, तो ये देखो 6 4 24, और देन दिस 4 3 12, मतलब ये हो गया 12, हो गया ये 252 हो गया। yes, बस अभी आपको करना है क्या है, 252 के नीचे 100 है, मतलब एक और दो डॉट यहाँ पे दे दो, आ गया आंसर 2552। अगर ये आप ऐसे 25 1s 2s करते हैं तो बहुत देर लगती है, तो इससे बहुत इजीली हो रहा है, कोई भी नंबर हो सिर्फ उसको 4 टाइम्स करना है। फॉर एग्जांपल वन मोर टाइम आई एम टेकिंग, लेट्स डू विद दिस, 81 को आपको 25 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको 4 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स करने में बहुत इजी होता है, सबसे पहले इसको डबल कर देते हैं, डबल किया तो कितना हो जाएगा, 3 to 4, हाँ डबल किया तो कितना हो जाएगा, डबल किया तो इसको 81 को डबल कर 162 होता है, डबल किया तो इसको और एक बार डबल कर देते हैं, और एक बार डबल कर देते हैं तो 4 टाइम्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कितना आ गया फिर, ये 4 हो गया, ये 16 to 2, ये 3 to 4 आ गया, राइट। अब ये 4 टाइम्स है तो सिर्फ यहाँ पे डॉट दे दो, क्योंकि नीचे 100 होता है, जब नीचे 100 होता है, दो जीरोज है तो दो डिजिट छोड़ के डॉट, जब नीचे 10 होता है ऐसे 324 है, तो अगर नीचे 10 है तो एक ही डिजिट छोड़ के इधर दे दो, यहाँ पे अभी 100 है, सो यू आर गेटिंग 3.24, एंड विच इज करेक्ट आंसर, आप कैलकुलेटर भी चेक कर लो, ये 81 डिवाइडेड बाय 25 कितना आता है, आ रहा है सही से, यस सर, हो सर, ग्रेट। तो अगर ऐसा है तो नाउ यू ट्राई दिस वन, अभी आपको करना है 9 डिवाइडेड बाय 125, यूज योर हेड, कितना आता है, 72। तो देखो सबसे पहले 125 नीचे है, उसको मल्टीप्लाई भी 8 कर दिया, तो मुझे 125 को मैंने कन्वर्ट किया 1000 में, उसी तरह 9 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किया इसको 78, ये 72, तो 72 के नीचे 1000 है, तो इसका मतलब है 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा डॉट, हो गया आंसर आपका,
Not 72. What is that? 072. Yes, sir. चलो और बना देते हैं. लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. 302 डिवाइडेड बाय 125. जब 125 आएगा तो उसका जो डिवीजन है यहाँ पे 1000 बना दो. इसको करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है 8 से. ऐसे तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना है आपको. एंड देन 3 डिजिट छोड़ के डॉट देना है. योर टर्न. तो अगर 8 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा अभी, 8 थ्री जार कितना? 24. तो ये 24 पहले मैं यहाँ पे लिख दिया. फिर 8 0 जार ये 0 आ गया. 8 2 जार 16. तो ये 1 इधर आ गया और 6 इधर आ गया. मतलब ये नंबर ऐसे बन गया है 2416. अभी इसके नीचे है 1000. तो ये 1 2 3 डॉट राइट हियर एंड यू गॉट योर आंसर. अब तो मैथ जीनियस बन गया. अभी 2.4. सो दिस इज कॉल्ड डिवीजन. By dot method. Dot से भी कर सकते हो बहुत easily divisions. कैसे? तो सबसे पहले आप, before I tell you, I am giving you this division 2, 3, 5, 2 divided by 1, 1, 2. You try it. Sir. ठीक है. तो how to do use dot methods? Let's do it now. So this is the number 2, 3, 5, 2. तो ये जो 2 है इसके लिए आपको यहाँ पे 2 dots draw करने हैं. अगर यहाँ पे 3 है तो 1, 2 and 3. अगर यहाँ पे 5 है तो 1, 2, 3. जितना नंबर है उतने डॉट्स. यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 2. ठीक है. मतलब हमने क्या किया, इस नंबर को डॉट में कन्वर्ट करके ले लिया. ऐसे बस यही इतना ही करना है. इसके बाद इसको हमें डिवाइड करना है ये 112 से. 112. तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ये देखो, फर्स्ट कॉलम है, देन सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम. ये है यूनिट डिजिट. यूनिट का कॉलम है, टेंस का कॉलम, थाउजेंड, टेन थाउजेंड. ठीक है, ये क्लियर है? यस सर. ठीक ठीक है. अभी आपको करना क्या है, देखो ये 112 से आपको डिवाइड करना है. तो ये मतलब फर्स्ट डॉट एक डॉट से दूसरे डॉट को कनेक्ट करो, फिर दूसरा डॉट दो अलग डॉट से कनेक्ट करना है. कैसे? लाइक देखो, फर्स्ट ये डॉट वाला है, एक डॉट को दूसरे डॉट से कनेक्ट कर दो. मतलब देखो, वन एक डॉट, ये दूसरा डॉट है, तो दूसरा डॉट मैंने दूसरे लाइन में कनेक्ट कर दिया. ऐसे अभी इसके आगे दो है, तो अभी दो डॉट कनेक्ट करने होंगे आगे के कॉलम में से. फर्स्ट कॉलम में एक डॉट एक है, ले लिया. फिर दूसरे कॉलम में एक है, तो यहाँ पे एक कॉलम कनेक्ट कर दिया. इसके बाद दो है, तो अभी नेक्स्ट कॉलम का आपको दो डॉट कनेक्ट करने. तो सबसे पहले कॉलम में चले जाएंगे ऐसे, एंड दो डॉट्स, ये एक और ये दो, ऐसे दो कनेक्ट कर लिया. इसके बाद यही आपको पैटर्न फॉलो करना है, 1, 1, 2. तो देखो, फर्स्ट कॉलम में एक डॉट है, दूसरे कॉलम से कनेक्ट कर दिया है एक से. अभी आपको जाना है नेक्स्ट कॉलम. ये देखो, ये नेक्स्ट कॉलम मैंने पहले चला गया, और यहाँ पे 1 and 2 कनेक्ट कर दिए. अब ये वाला खत्म हो गया. नेक्स्ट ये जो है फर्स्ट वन डॉट, तो वन डॉट से वन डॉट कनेक्ट कर दिया मैंने. ये देखो, 1 and 1 कनेक्ट हो गया. अभी दो डॉट कनेक्ट करने हैं नेक्स्ट कॉलम में. सो आई एम जस्ट कनेक्टिंग देम. पहले कॉलम में चला गया ये एक डॉट और ये दो डॉट कनेक्ट कर दिए. तो एक शेप बन गया यहाँ पे. अभी इस शेप का भी क्या करना है,
देखो ये 1 1 2 के स्ट्रक्चर बन गए, देखो 1 1 2 1 1 2 1 1 और ये 2, ऐसे स्ट्रक्चर बन गए। तो ये स्ट्रक्चर कितने हैं आपको काउंट करना है, और ये स्ट्रक्चर जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से ऐसे शुरू हो रहा है वो सिर्फ स्टार्टिंग काउंट करना है, एंडिंग काउंट नहीं करना है। तो ये देखो पहले कॉलम में, ये वाला पहला कॉलम है, यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर शुरू हो रहे हैं 1 1 2 के, 1 1 2 ये फर्स्ट एक शुरू हुआ यहाँ पे 1, और ये दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे शुरू हो गया, तो ये भी 1, मतलब यहाँ पे है 2, दो स्ट्रक्चर शुरू हो गए। अभी नेक्स्ट कॉलम में चेक करना है, इधर चेक करते थे तो ये देखो ये स्ट्रक्चर पहले ही शुरू हो गया है तो इसको काउंट नहीं करना है, ये स्ट्रक्चर पहले ही काउंट हो गया है तो इसको भी नहीं काउंट करना है, ये वाला नया स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हो गया 1 1 2 का, तो ये एक ही है इसमें राइट हियर, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1। आगे देखते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी शुरू हुआ है, देखो ये ऑलरेडी शुरू हुआ है, काउंट नहीं करना है, ये भी ऑलरेडी हमने काउंट किया है, इसको भी काउंट किया है, तो ये अभी काउंट नहीं होगा, एंड दिस इज आवर आंसर। 21 है ना आंसर? सर प्लीज रिपीट। यस आई नो, दिस इज योर फेवरेट नंबर। अब ये फेवरेट नंबर को आपको डिवाइड करना है 11 से, ऐसे। तो सबसे पहले लेट्स डू इट, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं डॉट्स में, तो पहले हो जाएगा ये 1 डॉट, फिर इसका 4 डॉट्स, 1 2 3 एंड 4 हो गया, इसके हो जाएंगे 3 डॉट्स, 1 2 3, बस। नाउ वी कन्वर्टेड दिस 143 इनटू डॉट्स, नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस 11, और ये स्ट्रक्चर आपको 143 में बनाना है, और दैट्स व्हाई इधर आप जाएंगे तो देखो एक डॉट से दूसरा डॉट कनेक्ट करना है, क्योंकि एक एक, तो फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम में एक एक मैंने कनेक्ट कर दिया, तो फर्स्ट कॉलम फिनिश हो गया। अभी दूसरा कॉलम है, ये कॉलम से ये वाला कनेक्ट कर दिया, दिस एंड दिस, 1 2 1 1 2 1, पूरे डॉट्स अभी ख़त्म हो गए। अभी आपको सिर्फ काउंट करना है फर्स्ट कॉलम में कितने स्ट्रक्चर शुरू हो गए हैं, कितने हो गए, एक शुरू हुआ है सो 1 लिखो, सेकंड कॉलम में स्ट्रक्चर कितने शुरू हो गए, ये वाला पहले काउंट किया है हमने तो ये इसको नहीं आने वाला है, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 शुरू हो रहे हैं तो 3 लिखा, ये तो स्ट्रक्चर शुरू नहीं हो रहे, ये एंड हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो गया, सही है। नाउ दिस इज द न्यू एग्जांपल टू डिवाइड 157421 बाय 125। फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट स्ट्रक्चर, तो ये फर्स्ट डॉट है, इसके बाद 5 डॉट, 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स, देन 4 डॉट्स, 1 2 3 4, 2 डॉट्स एंड एंड में 1 डॉट, ये मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। आपका हो गया तो मुझे बता दो। नाउ 121 का स्ट्रक्चर बनाना है इसमें, तो 1 का मतलब क्या है, एक डॉट से पहले 2 डॉट कनेक्ट कर लो, फिर एक डॉट कनेक्ट करना है ऐसे, मतलब ये हो जाएगा आपका 1 2 1, मतलब फर्स्ट कॉलम में 1 लिया, दूसरे कॉलम के 2 लेने हैं, थर्ड कॉलम का एक ही लेना है, सो 1 2 1 हो जाता है ऐसे। तो लेट्स वर्क इट राइट हियर, तो सबसे पहले ये वाला 1 तो हो गया, अभी नेक्स्ट कॉलम में चले गए हम, कनेक्ट कर दिया, यहाँ से आपको कितने लेने हैं 2, तो ये वाला 1 और ये 2 ले लिया। अभी थर्ड कॉलम में आपको एक ही लेना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे यहाँ से ले रहा हूँ इस तरह से, ये बन गया 1 2 1, 1 2 1, ऐसे फर्स्ट स्ट्रक्चर बना दिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट कॉलम के डॉट्स खत्म हो गए, इसलिए आई एम गोइंग टू सेकंड कॉलम राइट हियर,
तो सेकंड कॉलम से शुरुआत करते हैं, तब पहले वन लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलम में देखो ये जो नेक्स्ट कॉलम है, पहले नेक्स्ट कॉलम तक जाओ, वहाँ से दो लेने हैं, तो एक ये आ गया, एक दूसरा इधर आ गया, और थर्ड कॉलम का एक ही लेना है उसी स्ट्रक्चर में, इसलिए मैं ये स्ट्रक्चर यहाँ से कनेक्ट कर दिया इधर, तो वन टू वन हो गया। इसी तरह फर्स्ट कॉलम इधर है, सो वन सेकेंड कॉलम में चला गया मैं इधर, राइट। सेकेंड कॉलम में एक और दो कनेक्ट करने हैं, थर्ड कॉलम का एक लेना है, तो आई एम टेकिंग दिस वन। इन द सेम वे ये वाला, फर्स्ट कॉलम से वन, सेकेंड कॉलम में आपको लेने हैं दो, दो ले लिए, थर्ड कॉलम में आपको एक ही लेना है, तो आई एम टेकिंग दिस वन, ये वाला जो रिमेनिंग है। इसके बाद फर्स्ट कॉलम फिनिश हो गया, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम फिनिश, फोर्थ कॉलम में अभी एक बाकी है, तो ये वाला मैं एक यहाँ से स्टार्ट करूँगा, एक लिया, उसके आगे वाला कॉलम में से दो लेने हैं, तो मैंने यहाँ पे ये देखो ये दो ले लिए, दो, और बाकी का ये लास्ट वाला यही है। सो मेरे ये स्ट्रक्चर अभी रेडी हो गए यहाँ पे। सो एक बार स्ट्रक्चर रेडी हो जाए आपके, तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग काउंट करना है, स्ट्रक्चर का काउंटिंग स्टार्टिंग। तो देखो फर्स्ट कॉलम में एक ही स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो ये आ गया आंसर का हमारा एक, ठीक। अभी दूसरे कॉलम में, ये वाला दूसरा कॉलम है, इसमें कितने स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट वाला तो चला गया, कितने होते हैं, वन टू थ्री, तो ये तीन लिखो यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है राइट हियर दिस वन, देखो वन ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, दिस वन ऑलरेडी काउंटेड, दिस वन आल्सो काउंटेड, तो कितने हो गए स्ट्रक्चर, नो स्ट्रक्चर, लेकिन उसके आगे जीरो, जीरो आता है, तो यहाँ पे जीरो रख दो। अभी ये वाला कॉलम है जिसमें ये ऑलरेडी कट हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये नया स्टार्ट हो गया, तो ये आ गया आपका आंसर, आगे तो अभी काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये हाफ स्ट्रक्चर नहीं लेते, फुल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड दिस इज योर आंसर। आ रहा है